हाय दोस्तों, तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से मजाक में या ऐसी टाइम पास में पूछ लिया कि सबसे पहले दुनिया में मुर्गी आई थी या अंडा आया था। तो मैंने भी कई लोगों से सवाल पूछा और सब लोग रैंडमली जवाब देते क्योंकि सही जवाब तो किसको पता है, तो इसलिए कुछ भी बोलते यार क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप लोग इस फिल्म को देखोगे जिसका नाम है प्री डेस्टिनेशन, तो ये सवाल आपके जहन में जरूर आएगा। खैर, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी पर्सनली दो ऐसी फिल्मों के बारे में जो टाइम टेबल पर बेस्ड है और जो मुझे बहुत पसंद है। मैं क्यों इसलिए इस वीडियो में बता रहा हूं क्योंकि काफी लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले बता दूं इंटरस्टेलर मूवी के बारे में। तो देखिए, इंटरस्टेलर एक ऐसी मूवी है, वो मूवी नहीं है, वो इंस्टीट्यूट है अपने आप में। उस मूवी को देखकर काफी लोग सीख सकते हैं कि फिल्म मेकिंग किस तरह से की जाती है। उसके अलावा इस मूवी में साइंस और टाइम ट्रेवल के बारे में इतना डिटेल में और इतना रिसर्च करके बताया गया कि मतलब आपकी सोच भी वहां तक नहीं जा सकती जो कुछ हमें इस फिल्म में देखने को मिला है। उसके अलावा अगर मैं दूसरी वेब सीरीज की बात करूं, वो है डार्क वेब सीरीज। ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी जिसमें तकरीबन 2 सीजन आ चुके हैं। और ये सीरीज में जिस तरह से टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट बताया ना, मैंने आज तक किसी भी वेब सीरीज में इस तरह की कहानी देखी नहीं है। और इस तरह का ट्विस्ट एंड टर्न्स और जिस तरह से सीरीज आगे बढ़ती ना यार, मतलब पूरी तरह से आपका दिल जीत लेती है। ऑल्दो ये सीरीज की जो शुरुआत होती है वो काफी स्लोली स्लोली आगे बढ़ती थी, इसलिए हमारे इंडियन ऑडियंस ने इस सीरीज को ज्यादातर नहीं देखा है। उसके अलावा एक और वजह जिसकी वजह से हमारे इंडियन ऑडियंस ने नहीं देखा, वो है ये सीरीज आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलती, ये आपको इंग्लिश में देखने को मिलती। तो ये मेन रीजन है जो डार्क जैसी बढ़िया वेब सीरीज भी लोगों ने मिस कर दी। खैर, यहां पर मैं बात कर रहा हूं प्री डेस्टिनेशन एक ऐसी मूवी की जिसकी लेंथ सिर्फ 1.5 घंटा, लेकिन 1.5 घंटे में ये आपका दिमाग का दही कर देगी और पूरे 1.5 घंटा आपके दिमाग का एग्जाम लेते रहेगी। क्योंकि इस फिल्म में ऐसा पजल बताया है, उस पजल को आपको ही सॉल्व करना है। मैं आपको यहां पर चैलेंज देता कि प्लीज आपको इसका एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो नहीं देखता, ना ही आपको इस मूवी का ट्रेलर देखना, ना ही इस मूवी के बारे में कहीं पे पढ़ना है। आपको बस इस फिल्म को देखना 1.5 घंटा, बस आपको पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक कंटिन्यूस फिल्म को देखना। आपको दावे के साथ कह सकते हैं अगर आप फिल्म को गौर से देखोगे तो आपको इसकी कहानी इजीली समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आपने जरा भी थोड़ी देर के लिए कहीं भी उठ के चले गए या कहीं से भी ब्रेक ले लिए, तो ये फिल्म आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। इस फिल्म में जिस तरह से टाइम ट्रेवलिंग बताई गई है वो तो चलो समझ में आती है, लेकिन उसके अलावा जो जो चीजें बताई वो मतलब समझ लो कि नेक्स्ट लेवल की है। फिर भी मैं आपको इस मूवी का 1/4 पार्ट बताता हूं। वो पार्ट ये है कि मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है जॉन, जो कि 1992 में रहता है। वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जिसका काम ये है कि जितने भी पास में इंसिडेंट हुए उस चीजों को रोकना। इसलिए जॉन को 1975 में भेजते क्योंकि वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला होता और किसी भी तरह से जॉन को उस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकना है। तो क्या जॉन उस बॉम्ब ब्लास्ट को रोक पाएगा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब मैंने इस मूवी की इतना हिस्सा बताया जितना आपको जानना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा मैंने कुछ भी ऐसा स्पॉयलर्स नहीं दिया जिसकी वजह से आपका इस फिल्म में देखना जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये फिल्म उन फिल्मों में से जो पर्सनली मेरी फेवरेट हो गई है। उसके अलावा इस फिल्म की जो राइटिंग है, मैं पर्सनली इतना कह सकता कि इस फिल्म का जो मेन हीरो है वो इसका राइटर है। इतना शानदार तरीके से इतनी जबरदस्त कहानी लिखी है कि मतलब वो कहां से लोग दिमाग लाते समझ में नहीं आता। भाई मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों को सजेस्ट करूं, लेकिन यार बैक टू बैक ये वीडियोस, ये सीरीज, वो मूवीज, तो लेकिन फिर भी ये मूवीज कई दबके रह गई थी। लेकिन फाइनली ये मूवी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, तो बस अभी इस वीडियो के बाद इस फिल्म को देखो। अगर आपने ऑलरेडी देख चुके तो आप मुझे सच बताना कि आपने इस मूवी को फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ लिया, आपको इसका एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो देखना पड़ा था, ये मुझे जरूर बताना। उसके अलावा अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ गए तो वो भी मुझे जरूर बताना। उसके अलावा ये मूवी आपको कैसी लगी वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हो, यानी बेसिकली आपको जो मर्जी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन दुआ में रहता। मैं हूं राशि शेख और आप सब है आपके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। टिल देन।